हेलो फ्रेंड्स देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल और कोरियल फोर्स का पूरा डेरिवेशन किया था एक्सप्रेशन डिराइव किया था ठीक है और भी डिस्कस की ये कैसे ये दोनों फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इफ यू आर डूइंग द क्वेश्चन फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है और वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है ठीक है तो जो उसका ऑब्जर्वेशन है एक्सल्रेशन या मोशन के बारे में तो उसके ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करने के लिए आपको ये सूडो फोर्स का जरूरत पड़ेगा क्योंकि ऑब्जर्वर जो रोटेटिंग फ्रेम में है वो एक नॉन एयर्सल ऑब्जर्वर है और जब नॉन एयर्सल ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट करेगा फोर्सेज के लिए तो न्यूटन ला तो वैलिड है नहीं अनलेस कि आप सूडो फोर्स नहीं अप्लाई करते तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर को अगर उसके ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करना है तो आपको ये दोनों सूडो फोर्स का जरूरत पड़ता है ठीक है तो एक एक करके दोनों फोर्स डिस्कस किया जाए पहले हम लोग साइंटिफिकल फोर्स डिस्कस करते हैं कि कैसे साइंटिफिकल फोर्स एक सूडो फोर्स है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विथ साइंटिफिकल फोर्स और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोरियोलि फोर्स का डिस्कशन किया जाएगा ठीक है तो लेट्स बिगिन विथ दिस साइंटिफिकल फोर्स and before i begin uh, let me introduce myself i am visal Deversi. and uh, i have been teaching uh, physics and mathematics at different level for the last 20 years so these are my favorite subjects so i have been teaching these subjects for many years okay at different uh, level okay so let us move ahead so today we will do centrifugal force सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग को करना है आ, किसी में ओके तो लेट्स डू दिस देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियल फोर्स का जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव करवाया था आपको जो सोलो फोर्स यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में जिसका जरूरत पड़ता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर दूसरा सोलो फोर्स क्या था एम ओमेगा क्रॉस एम ओमेगा ओमेगा क्रॉस वी तो ये आपका सेंट्रिफ्यूगल फोर्स था दिस वाज सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दिस वॉज योर कोरियल स्पोर्ट मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है अगर कोई ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है जैसे मान लो अर्थ ले लिया हमने और मान लो अर्थ पे रह के अगर कोई ऑब्जर्वर मान लो यहां है ठीक है ये रोटेटिंग फ्रेम है सपोज करो कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये ऑब्जर्वर अगर किसी बॉडी को ऑब्जर्व करता है ये बॉडी कहीं भी हो सकता है देखिए सूडो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा ये बॉडी के लोकेशन में डिपेंड नहीं करता है ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है अगर ऑब्जर्वर इनर्सल फ्रेम में है तो अपने सारे ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ न्यूटन सेकेंड लाइट यूज करके कोरिलेट कर सकता है लेकिन अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्सल फ्रेम में है देन वो उसके लिए उसके ऑब्जर्वेशन के लिए न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है हो सकता है वो कई सारे ऐसे एक्सेलेशन ऑब्जर्व करे जिसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं उसको दिख रहा हो या हो सकता है फोर्स दिख रहा हो और एक्सिलेशन नहीं हो रहा हो ऐसा वो उसका डेस्टिनी है एक नॉन एयर्सला ऑब्जर्वर का डेस्टिनी है को न्यूटन लॉ का वायलेशन दिखेगा तो यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ़ नॉन एयर्सल फ्रेम देख रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम हम लोग पहले ऑलरेडी लीनियरली एक्सीटेड फ्रेम देख चुके थे तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ नॉन एसल फ्रेम दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सीटेड फ्रेम मान लो ये एक ऑब्जेक्ट uh, है जो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म एक्सी सॉरी यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम आई थिंक आई टोल्ड यू यूनिफॉर्मली एक्सीट नो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम हम लोग एक ऐसे फ्रेम को स्टडी कर रहे हैं जो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम है सपोज को ये बॉडी है ये कोई मान लो सेलिस्टल बॉडी हो सकता है अर्थ हो सकता है और ये मान लो ये सपोज को अपने एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है और यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वर रख दिया जो इस अर्थ के साथ अटैच है तो ये ऑब्जर्वर क्या होगा दिस इज ऑब्जर्वर इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम और चूंकि यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में विलास्टिक का डायरेक्शन हमेशा ही चेंज कर रहा होता है इसलिए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम इज एक्सिलेटेड फ्रेम इन दैट केस अगर कोई ऑब्जर्वर यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में है और वो किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है ठीक है किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा तो ऑब्जर्वेशन क्या करेगा ऑब्जर्वेशन वो बॉडी किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है वो करेगा जो क्या क्या फोर्सेस उस पर लग रहे हैं और दूसरा ऑब्जर्वेशन उसका क्या होगा मोशन किस टाइप का हो रहा है ठीक है दो ही चीज हम लोग यूजली बॉडी में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो बॉडी किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और दूसरा ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि वो उसका मोशन क्या है और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग बेलास्टी एक्सेलरेशन वगैरह का टर्म का यूज करते हैं ठीक है तो अगर जो भी उसका ऑब्जर्वेशन होगा एक्सेलरेशन इस बॉडी के रिगार्डिंग उसको वो फोर्स उसको न्यूटन से केंड ला के साथ कोरिलेट नहीं कर सकता वो ये चीज़ नहीं लिख सकता है ठीक है मतलब जो फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है और जो एक्सिलेशन ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है इस बॉडी के अंदर उसके लिए न्यूटन लॉ लिख नहीं सकता है अनलेस कि हम लोग यहाँ पे एक सुडो फोर्स न लगाए अनलेस कि हम लोग एक सुडो फोर्स न लगा दें तब तक वो ये चीज़ नहीं लिख सकता है एक बार हम लोग सूलो फोर्स लगा देंगे देन न्यूटन लॉ स्टार्ट गेटिंग वैलिड फॉर हिज ऑब्जर्वेशन और ये जो सूलो फोर्स का जरूरत जो पड़ता है उसका एक्सप्रेशन ये है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी करवाया था आपको आप देख लेना एक बार तो बहुत इच्छा है तो ऐसे डेरिवेशन का बहुत ज़रूरत नहीं है लेकिन देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा एक इनसाइट मिलेगा ठीक है सो आई एडवाइज यू पीपल टू सी दैट डेरिवेशन आल्सो ठीक है देखिए थ्योरी पे बहुत स्ट्रेस करना होता है तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगा और न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएगा आपको ठीक है और जल्दी भी कर लेंगे और समझ के भी करेंगे तो वेनएवर द ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम ऑब्जर्वर जब रोटेटिंग फ्रेम में होता है और वो मान लो कोई एक्सलेशन ऑब्जर्व कर रहा है बॉडी में और फोर्स देख रहा है तो उस फोर्स को एक्सलेशन के साथ कोरिलेट करने के पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में एक सुडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा एंड सुडो फोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाई नॉन सुडो फोर्स विच इज विच बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कोरिलेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रोटेटिंग फ्रेम ऑब्जर्वर विद द फोर्स इज This, ये सोलो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इनफैक्ट ये देखिए जो सोलो फोर्स है वो बेसिकली अगर मान लो कहीं कोई इनवर्सल ऑब्जर्वर है तो वो उसके ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है मतलब ये अगर कोई बहुत दूर अर्थ के ग्रेविटी से दूर कोई ऑब्जर्वर होगा तो वो ऑब्जर्वर को ये सब चीज़ अपने ऑब्जर्वेशन में दिखेगा ओमेगा वो इस धरती को ओमेगा से घूमता हुआ भी देखेगा ठीक है और अगर ये बॉडी ग्रेविटी के अंदर है तो इस ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी भी उसको घूमता हुआ दिखेगा तो एक इनर्सल ऑब्जर्वर कुछ ऐसा ऐसा चीज़ ही ऑब्जर्व करेगा जो ये एक रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो वही चीज जो इनर्सल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा और रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है उसी चीज़ को हम लोग यहां ना कंपेंसेट करके इधर कंपेंसेट कर देते हैं और उस केस में ये इक्वालिटी जाता है ये सारा चीज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ठीक है अब हम लोग आज जो क्लास में करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस सूडो फोर्स ये जो दोनों टर्म है उसको डिस्कस करना है तो आज तो हम लोग शायद इतना ही कर पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ठीक so है अब आप में से आप जो वीडियो देख रहे हैं जो लोग अब कितने लोगों को साइंटिफिकल फोर्स ऑब्जर्व किया है हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दिस सेंटिफिकल फोर्स कितने लोग सेंटिफिकल फोर्स ऑब्जर्व करते हैं जब आप बस आपका टर्न लेता है तो क्या आप सेंटिफिकल फोर्स ऑब्जर्व करते हैं आप सब व्हेन द बस टेक्स टर्न हम लोग बाहर तरफ फेंका जाते हैं बाहर तरफ फेंका जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सेंटिफिकल फोर्स लग रहा है बट ये एक मिथ है कोई फोर्स नहीं लगता है आप बाहर गिरदा फेंकाते जरूर हैं अब बाहर की तरफ फेंकाते जरूर है लेकिन कोई फोर्स नहीं लगता है अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता तो सूडो नहीं कहलाता ये अगर वो सेंटिफिकल फोर्स लगता तो उसको हम लोग सूडो फोर्स नहीं बोलते ठीक है सूडो फोर्स कभी लगता नहीं है सूडो फोर्स हम लोग एक मैनिपुलेशन है मैनिपुलेशन है जो रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू कोरिलेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाई नॉन एज विद द फोर्सेस ठीक है ये पॉइंट को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे जब बस टर्न लेता है या कोई झूला ऐसा जो घूमता है उसमें क्यों हम बोल रहे हैं फोर्स नहीं लगता है एक्चुअली जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो आप एक्सीलरेशन ऑब्जर्व करते हैं है. हम लोग डिस्कस किया जाएगा व्हाट आई एम टेलिंग ठीक है साइंटिफिकल फोर्स का जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है is, और अब तो एफ्स सिर्फ हम लोग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे तो साइंटिफिकल को लिखना है एफ सी एफ जी इज इक्वल टू एम ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर एम ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर वेर ओमेगा इज द एंगुलर वेलास्टी ऑफ द यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम वेयर ओमेगा इज द एंगुलर विलासिटी ऑफ ऑफ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम एक बार जरा इसका डायरेक्शन और एग्निच्यूड निकाल लें हम लोग ठीक है सपोज करो वी हैव ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम अर्थ इज ए नाइस एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम अर्थ एक अच्छा एग्जाम्पल है देखिए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम का सपोज को ये अर्थ है ठीक है दिस इज अर्थ और ये आपका एक्सिस हो गया ओमेगा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप अपने राइट right हैंड के फिंगर्स को जो रोटेशन का सेंस है रोटेशन का जो डायरेक्शन है उसके अलांग कर्ल करेंगे राइट right हैंड के फिंगर्स को रोटेशन के अलांग मतलब ऐसे ऐसे अर्थ वेस्ट घूम रहा है तो ऐसे आप कर्ल करेंगे थम्भ जो है आपको ओमेगा का डायरेक्शन देगा थम्ब जो है आपको ओमेगा का डायरेक्शन देगा समझ में आ रहा है जी आपको ठीक है और ये फिंगर्स को कर्ल वैसे ही डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में ईश्वर चाहता है कि आप कर्ल करें कोई कहेगा कि हम ऐसे कर्ल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा ठीक है मतलब कोई ऐसे कर्ल नहीं कर सकता है ना ऐसे कर्ल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप ऐसे कर्ल करेंगे ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ठीक है वो फिर गलत हो जाएगा तो आप जिस डायरेक्शन में नेचर अलाउ करता है फिंगर्स को कर्ल करने के लिए उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए तो आप जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे चारों फिंगर्स को हम आपको ओमेगा का डायरेक्शन देगा तो ओमेगा का डायरेक्शन ये हो जाएगा जेड के डायरेक्शन में और मान लो कि कोई बॉडी यहां पे रखा हुआ है मान लो कि कोई बॉडी यहां रखा हुआ है ये सपोज दिस इज़ आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है ठीक और ये मान लो को लेटीच्यूड है ये इक्वेटर से जो एंगल बनता है उसको लेटीच्यूड बोलते हैं और जो जेड एक्सिस से जो वर्टिकल से एंगल बनता है आर वेक्टर का उसको लोग को लेटीच्यूड बोलते हैं तो ज्योग्राफी वाले लैटीच्यूड का ज़्यादा यूज करेंगे और फिजिक्स वाले अधिकतर ज़्यादा यूज को लेटीच्यूड का करते हैं ठीक है तो हम लोग ठीटा ज़्यादा यूज करते हैं तो ये मास एम का को लेटीच्यूड मान लो ठीटा है ठीक है अब हम लोग को साइंटिफिकल फोर्स निकालना इस पर कितना साइंटिफिकल फोर्स हम लोग लगाएंगे साइंटिफिकल फोर्स लगता नहीं है हम लोग लगाते हैं लगाते इसलिए हैं कि उसको लगाने से हम लोग नॉन एसल ऑब्जर्वर जो रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर है उसके ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट कर पाते हैं साइंटिफिकल फोर्स कोरियोली फोर्स दे आर सूलो फोर्सेज वो कभी भी किसी बॉडी पर लगता नहीं है ठीक है जो अगर हम लोग लगा लगाते हैं ताकि हम लोग जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस बॉडी के अंदर को उसको फोर्स के साथ कोरिलेट तभी कर पाएंगे जब हम लोग वो फोर्स लगाएंगे अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है तो इसको और हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे ठीक है पहले डायरेक्शन देखिए क्या होगा ओमेगा क्रॉस आर का क्या डायरेक्शन होगा ये आर वेक्टर है यह ओमेगा वेक्टर है तो पहले वेक्टर के तरह फिंगर्स रखिए जैसे मान लो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है आपको तो कैसे निकालते हैं ये मान लो ए वेक्टर है और ये लो बी वेक्टर है। तो तो कैसे निकालते क्रॉस क्रॉस के डायरेक्शन? डायरेक्शन आप जब भी आपको का निकालने के लिए बोले तो पहले उन उन वेक्टर्स वेक्टर्स के टेल्स को कर दीजिए। पहले वैक्टर फिंगर्स रखो राइट हैंड का फिंगर्स पहले वेक्टर की तरफ रखो और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो थम जो है आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा पहले वेक्टर्स के तरफ फिंगर्स रखो राइट हैंड का चारों फिंगर्स और बी के तरफ कर्ल करना है थम आपको ए क्रॉस बी के डायरेक्शन देगा जैसे मान लो अगर मान लो ए क्रॉस बी ऐसे होता कि ये ए है और ये सपोज को बी है उस केस में क्या होता है वही काम करते हैं पहले एक ए बी के ज्वाइन कर देते हैं ठीक है टेल्स को ज्वाइन करके पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखे एफ कर्ल कर दिया थम जो है आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा तो यहां ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा यहां डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा ठीक अब यहां देखिए आपको इसका डायरेक्शन निकालना है तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं पहले हम लोग ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो ओमेगा ये हो गया आर ये हो गया इनका टेल्स यहां ज्वाइन है ऑलरेडी आप ओमेगा की तरफ फिंगर्स रखो फिंगर्स और फिर राइट हैंड राइट हैंड के फिंगर्स को ओमेगा की तरफ रखना है और आर की तरफ कल करना है आर के तरफ कल करना है इनवर्ड जा रहा है यानी ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो इनवर्ड हो जाएगा इनवर्ट को मान लो ऐसे ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन इनवर्ड हो गया ठीक है इट इज इन इनवर्ट डायरेक्शन ओमेगा क्रॉस आर गोज इन इनवर्ट डायरेक्शन अच्छा ये इनोवा डायरेक्शन हो गया अब ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आकर डायरेक्शन निकालो ठीक है तो ओमेगा किधर है ओमेगा वर्टिकल डायरेक्शन में है और ओमेगा क्रॉस आर इनोवा डायरेक्शन में है तो आप राइट हैंड का फिंगर्स को ओमेगा के डायरेक्शन में रखना है और उसको ओमेगा क्रॉस आके तरफ कर्ल करना है राइट हैंड के फिंगर्स को ओमेगा की तरफ रखना है और ओमेगा क्रॉस आके तरफ कर्ल करना है क्या डायरेक्शन देगा ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट टर्स लेफ्ट आप ओमेगा की तरफ ओमेगा की तरफ राइट हैंड का फिंगर ले जाइए दूसरा वेक्टर क्या है अभी यहां पे, ओमेगा क्रॉस आर है तो ओमेगा को ओमेगा क्रॉस आर की तरफ कर्ल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको थम जो है टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा आप ट्राई कर सकते हो खुद से भी दिस बी डायरेक्शन ऑफ ठीक है ओमेगा क्रॉस आर इनवर्ड है ओमेगा अपवर्ड है

इस तरह का दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ साइंटिफिकल फोर्स का डायरेक्शन क्या है एक और बहुत इजी तरीका हम आपको बताते हैं देखिए जब भी कोई बॉडी रोटेटिंग फ्रेम में होगा तो वो एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा ठीक है जैसे ये मान लो रथ ऐसे ऐसे, ऐसे मूव कर रहा है अब बॉडी यहां पे है तो ये एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा ठीक है तो सर्कुलर मोशन आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका सेंटर मार्क कर लीजिए तो जो एफ सी एफ जी होगा वो सेंटर से आप जो लाइन रेडियस ड्रा करेंगे तो सैंटिफिकल फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा फोर्स विल ऑलवेज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा समझ में आ रहा है आपको दो तरीका है एक तो डायरेक्टली यहां से निकाल लेंगे थ्री डी और एक है कि जो सर्कुलर यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम होगा तो उस ऑब्ज जो नॉफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा और जब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं मतलब रोटेटिंग ऑब्जर्वर के लिए जरूरी नहीं कि वो देख पाए इस चीज़ को लेकिन अगर बॉडी यहाँ पे है तो एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा हम लोग देख सकते हैं उस चीज़ को और उस उस सर्कुलर मोशन का सेंटर मार्क मार्क कर लेंगे और वहाँ से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका साइंटिफिकल फोर्स लगेगा ठीक है ऐसे भी ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब आ, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा एफ सी एफ जी ओमेगा क्रॉस आर क्या हो गया ओमेगा क्रॉस आर का आ, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीच्यूड अगर बात करें तो इट विल बी एम ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर और ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर में क्या एंगल है ओमेगा अपवर्ड है ओमेगा क्रॉस आर इनवर्ड है ठीक है ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर में जो एंगल है वो डिग्री का है, so, sin 90. और ये क्या जाएगा? एम ओमेगा एंड ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा ओमेगा आर इंटू साइन दिस इज गोइंग टू बी एफ सी एफ जी का जो मैग्नीट्यूड बनेगा एम ओ ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज आर साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में देखो आप सी दिस ट्रायंगल इसमें आर साइन थीटा क्या है आर थीटा इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन द पार्टिकल इज अंडर गोइंग जो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका रेडियस हो जाएगा दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर रो रो ठीक है इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन वेर रो इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ओके सो हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ मैग्निट्यूड निकाल लिया ठीक है साइंटिफिकल फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया अब एक आध एग्ज़ाम्पल लेते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ए वेरी नाइस एग्जाम्पल वुड बी कि uh, कैसे uh, जो कॉमन रियल कॉम हम लोग का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सर फोर्स का है जैसे कभी आपसे हम पूछें कि हैव यू एवर ऑब्जर्व साइंटिफिकल फोर्स कभी आपने साइंटिफिकल फोर्स महसूस किया है तो सौ में से देखिए नब्बे लोग यही बोलेंगे कि हाँ किया है कब किया है वैन uh, हम लोग uh, या तो कोई झूला जो होता है मेला में लगता है जो ऐसे घूमता है तो उसमें बैठे बैठे हम लोग करते हैं कई बार या कई बार मान लो बस में ट्रेवल करते हैं और वो सडनली टर्न लेता है तो बी गेट थ्रोन आउट वर्ड हम लोग बाहर की तरफ फेंका जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर साइंटिफिकल फोर्स लगा है फैक्ट कुछ और है फैक्ट ये है कि आप पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा है अगर लगता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग उसको हम लोग सूडो नहीं बोलते हैं। आप पे बेसिकली आप में एक एक्सीलरेशन जरूर हुआ है व्हेन बस इज टेकिंग टर्न यू गेट एक्सेलरेटेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन ये जरूर हुआ यू गेट थ्रोन इन आउटवर्ड डायरेक्शन बट वो फोर्स नहीं है वो मोशन है वो इफेक्ट है आप एक्सीलरेशन ऑब्जर्व करते हैं व्हेन द बस टेक्स टर्न यू गेट थ्रोन इन आउट डायरेक्शन तो आप पे कोई फोर्स नहीं लगाया अगर कोई फोर्स लगता तो फोर्स लगाने वाला बंदा दिखता आपको कभी भी कोई भी फोर्स जब लगता है तो दो तीन चीज़ दो चीज़ का आंसर हमेशा आपको मिलेगा कि वो फोर्स किसने लगाया वो लगाने वाला एजेंसी दिखेगा आपको और दूसरा उसका एक रिएक्शन फोर्स भी दिखेगा आपको जैसे मान लो हम लोग किसी वॉल को हिट करते हैं या हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं वॉल से टकरा गए तो हम लोग को चोट लगता है तो हम लोग को दिखता है कि वाल से हमको चोट लगा वाल हम पे फोर्स एग्जर्ट किया और हमने एक रिएक्शन फोर्स उस पर लगाया लेकिन जब आपका बस टर्न लेता है बस टेक्स टर्न तो आप बाहर की तरफ फेंकाते जरूर हैं इसमें कोई दो राय नहीं है आप जरूर फेंकाते हैं लेकिन आप पे कोई फोर्स नहीं लगता है क्योंकि अगर कोई फोर्स लगता तो लगाने वाला अगर कोई फोर्स लगता तो आपको आंसर मिलना चाहिए उस चीज़ का कि किसने लगाया कोई आपको दिखता है नहीं दिखेगा और नहीं उसका कहीं रिएक्शन का बात होगा तो आपके अंदर मोशन जरूर हो रहा है आपके अंदर मोशन जरूर हो रहा है आप बाहर की तरफ फेंका रहे हैं आप एक्सिलेट कर रहे हैं बाहर की तरफ लेकिन आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ठीक है तो आप कहेंगे अब बिना फोर्स का एक्सिलेशन कैसे हुआ तो ये क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते आँग 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 दिस क्वेश्चन कि हमारे अंदर एक्सिलेशन हुआ अब फोर्स नहीं लगा तो कैसे हुआ ये आप सवाल नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप एक नॉन एस्ल ऑब्सर्वर हैं जब आपका बस टर्न लेता है तो बस जो है बस एक 90 डिग्री का टर्न ले रहा है तो वो उस हिस्से में एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है मतलब व्हेन बस टेक्स टर्न लाइक दिस बस अंडर गोज ए सर्कुलर मोशन इस टाइम पीरियड में वो एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलास्टी हमेशा चेंज होता रहता है उस केस में बस नो लॉन्गर रिमेंस इनर्सियल फ्रेम बस एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है और आप उसमें बैठ के आप इनर्सल ऑब्जर्वर भी नहीं रह जाते जब आपका बस टर्न ले रहा है तो उसका विलासिटी हमेशा चेंज हो रहा है जब विलासटी हमेशा चेंज होगा तो बस नो लॉन्गर रिमेंस इनर्शियल फ्रेम बस एक एक्सलेटेड बॉडी हो गया जब बस टर्न लेगा तो बस एक एक्सेलेटेड बॉडी रहेगा और उसमें जो भी आदमी है वो सब नॉन एनर्सल ऑब्जर्वर हो जाएगा अब जो नॉन एनर्सल ऑब्जर्वर हो जाएगा तो नॉन एस ऑब्जर्वर का डेस्टिनी है कि वो जो भी ऑब्जर्वेशन करेगा ज़रूरी नहीं है कि उसको फोर्स के साथ न्यूटन लॉ यूज करके कोरिलेट कर सकता है क्योंकि द मोमेंट यू टर्न नॉन एस ला ऑब्जर्वर आप न्यूटन लॉ अप्लाई करने के काबिल नहीं है यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ आप न्यूटन लॉ क्लेम नहीं कर सकते यू कैन नॉट से कि हम न्यूटन लॉ हमारे लिए आपके किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए न्यूटन लॉ वैलिड नहीं रह जाता है उस केस में आप हमेशा ही कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपको फोर्स नहीं दिखेगा या ऐसा भी हो सकता है कि आपको फोर्स दिखे और उसके अगेंस्ट एक्सेलरेशन नहीं दिखे तो न्यूटन सेकंडला का वायलेशन आपका डेस्टिनी बन जाता है बात समझ में आ रहा है आपको देखिए फिर से आपको बताते हैं जैसे ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेन योर बस इज़ टेकिंग टर्न जब आपका बस टर्न ले रहा है जब आपका बस टर्न ले रहा है उस केस में आप बाहर की तरफ फेंक आ जाते हैं तो हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा मेरा कहना है कि यह मिथ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता क्योंकि अगर लगता तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर सूडो फोर्स नहीं कहलाता। अच्छा दूसरा जो प्राइमरी रीजन ये है कि सूडो फोर्स से चलो हम लोग बोल देते हैं लेकिन जो क्वेश्चन है कि अगर सेंटिफिकल फोर्स लगता आपके ऊपर तो उस केस में उस केस में आपको लगाने वाला एजेंसी दिखता ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आप पे फोर्स लगे और लगाने वाला बंदा नहीं दिखे ठीक है तो हमेशा ही कोई भी फोर्स फोर्स लगेगा तो रियल फोर्स हमेशा जब लगेगा आपके ऊपर अगर वो फोर्स रियल है तो हमेशा वो लगाने वाला बंदा दिखेगा आपको लगाने वाला एजेंसी दिखेगा ऑब्जेक्ट दिखेगा जो आप पे वो फोर्स लगा रहा है ठीक है यही नहीं आपको उसका रिएक्शन फोर्स भी सिस्टम के अंदर दिखेगा ठीक है तो ऐसे केस में जो आप बस टर्न लेता है तो आपके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहता आप सेंट्रफ्यल फोर्स कहां से आ जाएगा हाँ एक्सीलरेशन जरूर होता है बट उस एक्सीलरेशन के अगेंस्ट आप फोर्स क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस एक्सीलरेशन के अगेंस्ट हर एक्सीलरेशन के पीछे फोर्स होगा ऐसा वही बोल सकता है जो न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकता है और आप चूंकि एक नॉन यब्जर्वर में हैं क्योंकि आपका बस टर्न ले रहा है तो कुछ सेकंड के लिए आपका जो फ्रेम है नॉन हो जाता है वेन इट बिकम्स नॉन inertial आप एक नॉन inertial ऑब्जर्वर हो जाते हैं उस केस में आपके लिए न्यूटन से कला वैलिड नहीं रह जाता है उस केस में आप जो एक्सलेशन ऑब्जर्व कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप फोर्स क्लेम नहीं कर सकते हो उसके अगेंस्ट आप फोर्स क्लेम नहीं कर सकते हो बात समझ में आ रहा है आपको तो आप ऐसा ऐसा एक्सलेशन जरूर देखोगे जिसके अगेंस्ट आपको फोर्स नहीं दिखेगा और आप ही के लिए सूरफ फोर्स बना है चूँकि आपका ऑब्जर्वेशन न्यूटन लॉ से कोरलेट नहीं हो रहा है तो उस ऑब्जर्वेशन को न्यूटन लॉ से जस्टिफाई करने के लिए आपको इस तरह का फोर्स का जरूरत पड़ता है ठीक है ये फोर्स का जरूरत आपको इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आप यू आर ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम आप रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर हैं ठीक है थीके? आप एक नॉन एक्सरेट फ्रेम का ऑब्जर्वर हैं तो आपके ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट करने के लिए फोर्स के साथ कोरिलेट करने के लिए आपको ये सुडो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा यही कोई बंदा बाहर होगा तो वो आदमी भी आपको फेंकाते हुए दिखेगा लेकिन उसका यही ऑब्जर्वेशन न्यूटन के से जस्टिफाई हो जाएगा आपको अभी हम बताते हैं कैसे जस्टिफाई होगा जैसे एक ही ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन ये कि आप बस के अंदर फेंका रहे हैं तो आप बस में रहके इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा इस चीज को आप न्यूटन लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ठीक है वो आपका डेस्टिनी है लेकिन यही चीज बाहर का बंदा जो ऑब्जर्व करेगा वो इसी चीज को जस्टिफाई कर देगा वो इसी चीज को न्यूटन लॉ से कोरिलेट कर देगा एंड आई विल शो यू हाउ आई विल शो यू हाउ ठीक है तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं लेकिन इसके पहले बिफोर आई डिस्कस दिस एग्जाम्पल हम लोग एक थोड़ा सा सिंपलर एग्जाम्पल लेते हैं लीनियरली एक्सिलेटेड फ्रेम का ठीक है तो उसके बाद फिर हम लोग ये एग्जाम्पल पे आएंगे ठीक है उसके बाद हम लोग इस एग्जाम्पल पे आएंगे जैसे मान लो सपोज करो एक छोटा इससे ईजियर एग्जाम्पल लेते हैं ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा थोड़ा ईजियर एग्जाम्पल लेते हैं सपोज़ करो आ, कभी आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगाता है या जब ट्रेन में ब्रेक लगता है तो क्या होता है आप आगे की तरफ फेंकते हैं आप आगे की तरफ फेंकते हैं आगे मतलब अगर मान लो चेहरा आपका मोशन के डायरेक्शन में तब की बात कर रहे हैं ठीक है अगर चेहरा आपका मोशन के डायरेक्शन में है मतलब तो जिधर से जिधर ट्रेन जा रहा है जिस डायरेक्शन में और ट्रेन में ब्रेक लगा है तो आप आगे की तरफ फेंकाते हैं ठीक है या मान लो ट्रेन स्टार्ट होता है तो आप यू गेट थ्रो इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो यू बाई एग्जाम्पल यस एक्सप्लेन दैट फर्स्ट पहले उसको एक्सप्लेन किया जाए ठीक है जैसे मान लो एक सिंपल uh, एग्ज़म्पल लेते हैं सपोज करो ये ट्रेन है ठीक है कैसा हो गया सपोज करो ये ट्रेन है सपोज दिस इज ट्रेन एंड से दिस इज ए पर्सन राइट पहले ये हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लें कैसे फ्रिक्शन रोल प्ले करता है अब ये मान लो कोई विलास से ट्रेवल कर रहा है अब मान लो ड्राइवर ब्रेक लगाता है ड्राइवर ब्रेक लगाता है ठीक है मान लो ये बंदा का फेस इधर ही है मतलब तो इसका इधर ही इसका आंख है ठीक है तो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है दिस पर्सन टेंस टू फॉल फॉरवर्ड दिस पर्सन टेंस टू फॉल फॉरवर्ड ऐसे है ऐसे थोड़ा सा गिरने का टेंडेंसी होता है ना जैसे हम लोग पकड़ देते हैं इसलिए कोई चीज को जैसे ब्रेक लगाएगा हम लोग आगे की तरफ फेंक आते हैं ठीक है तो इसी चीज़ को जरा हम लोग एक्सप्लेन करें अगर कोई बंदा यहाँ पे है ऑब्जर्वर यहाँ पे है सपोज का ये ओटू है ठीक है और एक ऑब्जर्वर हम लोग यहाँ ले लिया जाए जमीन पे, वो भी ऑब्जर्व है कि ये आगे की तरफ तो फेंका रहा है ये ओवन है देखो तो ऑब्जर्वर का मोशन हम लोग स्टडी नहीं करते ऑब्जर्वर मोशन हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं इसका स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो इवेंट क्या है इवेंट ये हो रहा है कि बस चल रहा है ठीक है अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया ब्रेक लगाते ही हम लोग देखते हैं कि ये बंदा आगे की तरफ फेंका जाता है आगे की तरफ अगर कोई चीज नहीं पकड़ेगा तो ये गिर भी सकता है ठीक है अब यही ऑब्जर्वेशन इसी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए ठीक है ओवन क्या बोलेगा ओवन क्या बोलेगा ओवन कहेगा कि बस आगे चल रहा था बस वॉज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका फीट जो था वो बस के सरफेस के साथ ग्रिप में है आपका फीट फीट जो है पैर जो है पैर में स्लीपर्स या जूता जो भी होगा वो बस के सरफेस सर्फेसा ग्रिप में है ग्रिप में मतलब फ्रिक्शन की वजह से वो बाउंड बाउंड है बस के सरफेस के साथ बस के सरफेस सर्व्यवस्था ग्रिप में है मतलब अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो उस केस में तो बस आगे चला जाएगा बंदा यहीं रह जाएगा मतलब बस के साथ से हम लोग क्यों आगे जाते हैं जैसे बस जब चलता है तो हम लोग भी क्यों आगे जाते हैं हम लोग आगे इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा फीट अब बस का सरफेस के बीच में अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है ठीक है तो बस जब चलता है तो हमारा पैर भी आगे तरफ मूव करता है ठीक है और बॉडी भी साथ साथ आगे चलता जाता है ठीक है अचानक से देखिए कभी यही इसका एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अचानक से बस मान लो स्टार्ट होता है देखिए मान लो रुका हुआ है और बस मान लो स्टार्ट एक्सिलरेट किया या एक्सीलरेट किया एक्सीलरेट किया तो आप हैं कि ये बंदा पीछे की तरफ फॉल करता है क्यों पीछे की तरफ फॉल करता है क्योंकि बस जब एक्सीलरेट करता है बस जब आगे जा रहा है तो चूंकि फिट जो है ग्रिप में स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द बस सरफेस तो जैसे ही एक्सीलरेट करेगा बस के सरफेस के साथ साथ फीट भी एक्सीलरेट हो जाएगा अब फीट एक्सीलरेट हो जाएगा तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इनर्सिया की वजह से आपको देखो अगर पीछे इसे इधर गिरने के दो तरीके हैं या तो इसको हम इधर से ठेल दें या फिट आगे खींचा जाए तो बस जब स्टार्ट होता है तो आपका पैर आगे की तरफ खींचा जाता है और ऊपर का बॉडी पीछे की तरफ फॉल करने का टेंडेंसी रहता है ठीक है इसी का उल्टा होता है जब बस में ब्रेक लगता है जब ब्रेक लगता है तो ये डीएक्सीट किया डिएक्सीट किया तो आपका फीट जो है पैर जो फीट है है पैर पैर जो है, जो लोअर पोर्सन जो लेग है आपका फीट कहते हैं उसको तलवा ठीक है तो फीट चूंकि बस के सबसे ग्रिप में है तो बस जब डीएक्सीट करता है तो फीट भी डीएक्सीट कर जाता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वो उसके साथ ग्रिप में है तो वो डीएक्सीट करेगा और अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑलरेडी चूंकि एक मोशन में है वो डिएक्सीट नहीं किया फिट डीएक्सीट कर गया तो ये बॉडी आगे की तरफ फॉल करता है उसका विलासिटी एकदम से नहीं घटेगा लेकिन फीट का वेलास्ट एकदम से घट जाता है वो चूंकि ग्रिप में है तो बस जैसे ही इसका विलासिटी घटा ब्रेक लगा बस का सरफेस स्लो हो गया सरफेस के साथ फीट ग्रिप में है वो भी स्लो हो गया तो एक डिफरेंस ऑफ विलासटी पूरे बॉडी के अंदर है फीट स्लो हो गया अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल मूविंग है विद द सेम वसटी एक डिफरेंस ऑफ वेलास्टी की वजह से रिलेटिव मोशन टाइप का चीज आएगा और आपका फीट जो है सरफेस के साथ साथ स्लो हो गया ठीक है लेकिन आपका शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी उसी वालास्टी से मूव कर रहा है तो आप आगे की तरफ फेंका जाता है ठीक है तो ये जो इनर्सलवर यहाँ इसको बहुत बढ़िया सब कुछ समझ में आ रहा है इसको बहुत अच्छा सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन इसको नहीं समझ में आएगा देखो इसका क्या ऑब्जर्वेशन है ऑटू का ओटू बस के साथ अटैच है ओटू ऑटू जो है बस के फ्रेम में है क्योंकि वो बस के फ्रेम में है इसलिए वो बस का सारा मोशन इनहेरिट कर रहा है ऑटो चूंकि बस के फ्रेम में है इसलिए वो बस का सारा मोशन को इनहेरिट कर रहा है वो कहेगा बस रेस्ट पे है क्योंकि तो बस का उस सारा मोशन इनहेरिट कर रहा है वो कहेगा बस भी रेस्ट में है तुम भी रेस्ट में हो इवन इफ बस इज मूविंग वो बस को कभी भी मोशन में नहीं पाएगा देखिए कोई भी ऑब्जर्वर जो है अपने फ्रेम का मोशन को इनहेरिट करता है और चूंकि वो अपने फ्रेम का मोशन को इनहेरिट करता है तो कभी भी वो अपने फ्रेम को मूविंग नहीं पाता है जैसे आप कभी देखो कभी ट्रेन में सफ़र करो और नाइट में तो कई बार आप एकदम से जगोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन चल भी रहा है या मतलब बाहर से कोई साउंड नहीं आता है तो यू विल गेट कन्फ्यूज कि ट्रेन मूविंग है या रेस्ट पे है कैसे पता लगाते हैं कैसे पता लगाते हैं उसके लिए आपको खिड़की से बाहर की तरफ झांकना पड़ता है उसके लिए आपको खिड़की से बाहर की तरफ झांकना पड़ता है ठीक है और झाँक के देखना पड़ता है कि कहीं कोई पेड़ पौधा तो नहीं चल रहा है या प्लेटफॉर्म तो नहीं चल रहा है या कोई पोल तो नहीं पीछे जा रहा है ठीक है तो आप क्या देखते हैं आप देखते हैं कि पेड़ पौधा पीछे जा रहा है अब पेड़ पौधा पीछे जा रहा है तो क्या ऑब्जर्व किया पेड़ पौधा पीछे जा रहा है उसमें कोई फोर्स तो लगा नहीं फिर भी पीछे क्यों जा रहा है तो वॉट यू सी यू सी वायलेशन रिटर्न सेकेंड लॉ जब पेड़ पौधा ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पेड़ पौधा मूविंग दिखता है ठीक है मूविंग दिखने से मतलब हो गया कि वो उसमें मोशन हो रहा है मोशन हो रहा है बिना फोर्स का अब बिना फोर्स का एक्सीलरेशन ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है आप न्यूटन सेकंडला का वायलेशन देख रहे हैं न्यूटन सेकंडला का वायलेशन देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा नॉन फ्रेम में न्यूटन सेकंडला का वायलेशन देखते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा हम नॉन एयर्सल फ्रेम में हमारा ही जो ट्रेन है वो एक्सीलरेट कर रहा है ठीक है तो फ्रेम के अंदर रह के फ्रेम का मोशन कभी भी हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं हम लोग अर्थ पे हैं बचपन से आज तक अर्थ को रोटेट करता हुआ नहीं देखे क्यों क्योंकि वो मोशन हम लोग इनहेरिट करते हैं वो मोशन हम लोग इनहेरिट करते हैं इसलिए कभी भी उसको मोशन में नहीं पाते तो जो बस का कई बार इसलिए ट्रेन में हम लोग जब उठते हैं रात में तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि वो मतलब ट्रेन मूव भी कर रहा है या नहीं कर रहा बी लुक आउट साइड ठीक है

ठीक है वो एक्सीेशन जरूर देख रहा है वो इस बंदे के अंदर एक्सिलेशन देख रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई फोर्स उसको नहीं समझ में आएगा वो इसीलिए है क्योंकि ये जब आप ब्रेक लगाते हैं बस के अंदर जब आप बस के अंदर ब्रेक लगाते हैं ब्रेक लगाते हैं तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी चेंज होता है और उस मोमेंट पे चूंकि वेलास्टी चेंज होता है तो बस एक तरह से नॉन एक्सिलेटेड ऑब्जेक्ट बन जाता है और आप एक नॉन एक्स सॉरी बस एक एक्सीटेड फ्रेम बन जाता है बस जब ब्रेक लगाते हैं वेलास्टी चेंज करता है अब बस एक एक्सीटेड ऑब्जेक्ट बन जाता है ठीक है एक्सीटेड ऑब्जेक्ट बन जाता है एक्सीटेड फ्रेम बन जाता है और ये ऑब्जर्वर नॉन यूर्सल हो जाता है जब ये नॉन यूर्सल हो जाता है तो ये जरूर कुछ ऐसा देखेगा जहां पर न्यूटन से ला अप्लाई नहीं कर पाएगा जैसे जैसे ही बस में ब्रेक लगा ये क्या देखा ये बंदे के अंदर एक्सीलरेशन देखा अगेंस्ट उसको फोर्स नहीं दिख रहा तो ये तो इसका डेस्टिनी है क्योंकि बिना तो तो कुछ कुछ फोर्स का एक्सिलेशन देखेगा बिना फोर्स का उसको जरूर उसके ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा होगा जिसमें न्यूटन से नहीं अप्लाई हो पाएगा ठीक है क्योंकि जैसे ही बस में ब्रेक लगाएंगे नै वो वो आपका उस मोमेंट उस कुछ सेकंड के लिए जब तक ब्रेक लग रहा है वो एक एक्सीटेड फ्रेम में कन्वर्ट कर जाएगा एक्सीटेड फ्रेम रहेगा तो आप एक नॉन एसल ऑब्जर्वर बन जाएंगे ठीक है वो नॉन एसल फ्रेम हो गया ना एक्सीटेड फ्रेम ही नॉन एसल फ्रेम तो जब नॉन एसल फ्रेम में कन्वर्ट हो गया बस उस समय जब ब्रेक लगा उस समय के लिए उस तत्कालीन उस समय के लिए ना एक्सीटेड फ्रेम बन गया नॉन एसल फ्रेम बन गया

ऑब्जर्वेशन ऐसा करेगा जिसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं दिख रहा है उस ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड ला से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अनलेस यू अप्लाई ए सूडो फोर्स तो इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए कागज के ऊपर कागज के ऊपर जस्टिफाई करने के लिए हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं आप सूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जब आप ब्रेक लगाते हैं जब आप ब्रेक लगाते हैं ठीक है तो आपका वेलोसिटी बेशक इधर है लेकिन चूंकि वो स्पीड घट रहा है एक्सेलरेशन जो बस का होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा तभी ना वेलोसिटी घटेगा और उस केस में जो सूडो फोर्स इस बंदे पर लगाना पड़ेगा वो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा एक बार आप ये सूडो फोर्स लगा देंगे तो अब जो ऑटो का ऑब्जर्वेशन है वो कागज के ऊपर जस्टिफाई हो जाएगा कागज के ऊपर इसलिए बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये सुडोफोस कभी भी नहीं लगता है ये सिर्फ पेपर पे लगा के हम लोग इक्वेशन लिख पाते हैं और ओटू के ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर पाते हैं समझ में आ रही चीज आपको हु? कैसे ओटू का ऑब्जर्वेशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है और उसको पेपर के ऊपर जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ये स्लो लगा देते हैं अब हम कहेंगे सुलो लग रहा है इसलिए ये एक्सलेशन ऑब्जर्व कर रहा है इस बंदे को इस सूडोफोज का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनर्शियल है ये आराम से इस ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर पा रहा बिना कोई सूडोफोज का सूडोफोज का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इनर्शियल है वो अपने सारे ऑब्जर्वेशन को न्यूटन लॉ से जस्टिफाई कर सकता है ये कहेगा बस मूव कर रहा है तुम्हारा फीट भी मूव कर रहा है बस में ब्रेक लग गया आपका फीट में भी एक तरह से ब्रेक लग गया और ऊपरी हिस्सा आपका एज इट इज मूव कर रहा है एक डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी पूरे बॉडी में है, अपर हिस्सा ऑलरेडी वी से मूव कर रहा और जो फीट है वो एक्सीट कर गया उसका v v से कम हो गया इसलिए डिफरेंस एक रिलेटिव मोशन डेवलप हुआ और आपका बॉडी जो है आगे की तरफ फेंका गया ठीक है समझ रहे तो ये ओवन का एक्सप्लेनेशन है आइए अपने ऑब्जर्वेशन को कंप्लीटली जस्टिफाई कर पा रहा है क्यों क्योंकि ये इनर्सल अब आइए टर्निंग ऑफ बस जब टर्न लेता है तब क्या केस होता है जब बस टर्न लेता है तब कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग बस टेक्स टर्न हाउ द थिंग्स आर जस्टिफाइड ठीक है लेट्स सी दैट सपोज कोई रोड है ठीक है थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा समझने के लिए ठीक है फिजिक्स इतना आसान नहीं सब्जेक्ट है तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा एक बार समझ जाएंगे तो समझ ही जाएंगे है ना ठीक है ठीक है सो योर बस इज टेकिंग ए टर्न बस इज हियर यह बंदा है जिसका मोशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग बस इज ट्रेवलिंग इन दिस लाइन ठीक है ऑब्जर्वेशन क्या है ऑब्जर्वेशन है वेन बस टेक टर्न पीपल आर इन आउटवर्डर एक्शन पीपल आर थ्रोन इन आउटवर्डर एक्शन देखिए जब बस टर्न लेता है तो यहां से लेके यहां तक वो एक सर्कुलर मोशन में होता है जब बस टर्न लेता है तो यहां से लेके यहां तक वो एक सर्कुलर मोशन में होता है ठीक है अब सर्कुलर मोशन क्या है सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन सर्कुलर मोशन एक, एक एक्सेलरेटेड मोशन है जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है ठीक है कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा मान लो कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है तो उस केस में हर पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट भी है वेलोसिटी का तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग की चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर वो मोशनरेट कर रहा है अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बॉडी एक तरह से एक्सिलरेट कर रहा है अब क्वेश्चन यह है कि वो एक्सिलेशन किस डायरेक्शन में है डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेशन इन सर्कुलर मोशन वो रेडियली इनवर्ड होता है सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करता है बॉडी मूव करता है तो वो एक तरह से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलेट करता है एक्सप्लेन दिस अलग से एक सर्कुलर मोशन वीडियो बना लेंगे ठीक है अलग से एक सर्कुलर मोशन वीडियो बना लेंगे उसमें इस चीज को हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे ठीक है कि वॉट इज द हाउ द एक्सेलरेशन इज इन रेडियली इनोवा डायरेक्शन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में कैसे बॉडी रेडियली इनोवा डायरेक्शन में एक्सलेट करता है बी सी दैट ठीक है ओके सेपरेट तो ऐसे ब्रीफली आप यहां देख सकते हैं कि कैसे वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है देखिए ये मान लो आपका पी टी है ठीक है और ये सपोज को ठीटा हो गया और ये मान लो डी ठीटा है और ये हो गया सपोज को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हैं। डू यू कॉल द सर्कुलर मोशन टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर बॉडी सर्कुलर सर्गलो में मूव कर रहा है तो हम कहते हैं वो बॉडी सर्कुलर मोशन में है अब दो केस हो सकता है सर्कुलर मोशन में होते हुए हो सकता है उसका वेलास्टिक मैग्निट्यूड हमेशा सेम रहे अगर विलास्टिक का मैग्नीच्यूड हमेशा सेम रहेगा तो उस केस में कहेंगे इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर विलास्टिक का डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीच्यूड भी बदल रहा है उस केस में दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है अगर विलास्टिक का डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीच्यूड भी बदल रहा है तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में विलास्टिक का मैग्नीच्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन चेंज होता रहेगा डायरेक्शन चेंज होता रहेगा ठीक है तो उसकेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं उस केस में उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं तो सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस केस में डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग द मैग्नीच्यूड रिमेन सेम मैग्नीच्यूड इज गोइंग टू रिमेन सेम ठीक है अब अगर हम लोग डायरेक्शन निकालें डीवी का क्योंकि डीवी का डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा तो ये निकालने के लिए ये वी टी और वी टी प्लस डी टी को के टेल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा उसको तो निकालने के लिए इसको पैरेलली ऐसे मूव करवा दू टी को ठीक है अब वीटी प्लस डी टी माइनस वीटी विल बी वॉट ए वेक्टर फ्रॉम वी टी टू वी टी प्लस डी टी इट विल बी दिस वेक्टर ठीक है ये वेक्टर हो जाएगा जिसका डायरेक्शन बस और बढ़िया ड्राइंग कर देंगे तो सेंटर से पास करता हुआ दिखेगा हम प्रूव कर देंगे आपको कि सेंटर से कैसे पास कर रहा है इसको और पुश कर दो डीवी इज गोइंग टू बी राइट गोइंग टू बी तो आप देख सकते हैं कि dv का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है रेडियली इनवर्ड अभी उसको प्रूव कर देंगे कैसे रेडियली इनवर्ड है ये डायरेक्शन आपको रेडियली इनवर्ड दिख रहा है डीवी डीवी का डायरेक्शन रेडियन इनवर्ट दिख रहा है आपको राइट right? तो डीवी का डायरेक्शन रेडी इनवर्ट होगा तो एक्सेलरेशन इज वॉट डीवी बाई डी टी तो विल बी रेडियन इनवर्ट, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डीवी के डायरेक्शन में होगा तो यानी जब बॉडी सर्कुलर मोशन एक्जीक्यूट करता है तो उसका एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड होता है ठीक है अब रेडियली इनवर्ड अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई तुमने तो डायग्राम ऐसा बना दिया कि वो रेडियली इनवर्ड दिख रहा है, है ना अब शुरू में तो वो भी नहीं बन पा रहा था तो एक चीज ध्यान दीजिए आप कि इफ ए इज ए वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीच्यूड यह मैंने सेंट्रल फोर्स में पढ़ाया था देरीवेटिव ऑफ दट वेक्टर इज ऑलवेज पेंडिकुलर टू वे एंड इट कैन बी इजली प्रूव ऑल्सो मान लो ए वैक्टर कॉन्स्टेंट मैग्नीच्यूड है तो मैग्नीच्यूड क्या होता है कॉन्स्टेंट And if I take derivative plus is zero, or you have or we can say A डीए तो प्रोडक्ट जीरो है सो आई कैन से ठीक अब मान लो ये वी टी है तो डीवी टी क्या होगा इसके परपेंडिकुलर थोड़ा सा इनवर्ट तो दिख ही रहा है तुमको तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा अंदर की तरफ होगा और अंदर की तरफ अगर किसी देखो सर्कुलर मोशन में वेला, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है तो वीटी का डायरेक्शन जो है सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल है अब उसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो किधर जाएगा सेंटर से पास करता हुआ जाएगा रेडियल डायरेक्शन होगा ना वी टी तो डीवी बाई डी टी आपका रेडियोली चाहें तो आपको मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं मतलब ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि सर्कुलर मोशन में जब बॉडी जाता है तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है डीवी के डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होता है तभी वो गोल भी घूम रहा है ना कोई चीज़ अगर मान लो रेडियली इनवर्ड नहीं होगा तो ये सीधा चला जाएगा ये इसको सेंटिपिटल एक्सेलेशन बोलते हैं जो रेडियोली इनवर्ड एक्सेलेशन होता है ना उसको सेंटिपिटल एक्सेलेशन बोलते हैं ठीक है कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए कोई ना कोई फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेंटिपिटल फोर्स उसको बोलता है चलो पहले हम लोग ये बता दें आपको मैग्नी डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा है डायरेक्शन क्लियर है ठीक है मैग्नीश्यूड ही बताते हैं आपको छोड़ो अगला वीडियो इसी वीडियो में पढ़ लो मैग्नीश्यूड कैसे निकालोगे बताओ देखो ये हमने ये हमारा आ है ठीक आ इसके पड़ने के हमने विड्रा किया अब ये आर थीटा टर्न किया तो तो समझने कोशिश करो गंदा हो गया फिगर ये वी टी है ये पेपर निकल हो गया अब ये जो आर वेक्टर है उसके पेपर निकला वी टी प्लस डी टी है ये वाला वेक्टर जो है वो इस वेक्टर पेपर निकल रहा है अब ये देखो ये रेडियस है इसके पेपर निकला वी टी है ये रेडियस है इसके पेपर निकला वीटी प्लस डी टी है तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इनके बीच में होगा नहीं जैसे ये ऐसे है ऐसे सॉरी ये रेडियस है आई एवी टी है ठीक है ये आर है आई वी टी है अब रेडियस हल्का सा टर्न लिया थीटा एंगल तो वी टी भी उतना ही टर्न लेगा भाई जितना एंगल रेडियस टर्न लेगा उतना ही एंगल उसका टेंजेंट भी टर्न लेगा ठीक है तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर ये थी, थी, थीटा टर्न किया तो टेंजेंट भी थीटा टर्न करेगा तो वीटी और वीटी प्लस डी टी में जो एंगल बनेगा वो डी थी, थीटा ही बनेगा देखो आगे तो चलो हमारा ये वीटी हो गया और ये आइए डी बी हो गया आइए एंगल डी थीटा हो गया अब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में एक हम लोग लॉ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोसाइन लॉ ये थीटा है ये ए बी सी है तो कोसाइन लॉ ला कहलाता है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस टू ए बी काल कोसाइन लॉ इसको कोसाइन लॉ बोलते हैं ठीक है यही ला यहां लगा दो डीवी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो वी टी होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस

टू वी स्क्वेर वन माइनस कास डी थीटा आंस इज आपको पता है वन माइनस कॉस डी थीटा कॉस अल्फा इज टू साइंस का अल्फा यह टू साइंस का अल्फा मतलब इट इज साइन स्क्वेर डी थीटा और डी वी इज टू वी सॉरी डी थीटा बाई टू

डॉट ठीक है अब सर्कुलर मोशन में विलास्टी जो होता है वो आर ओमेगा या आर थीटा डॉट कह लाता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या तो इसको हम लोग आर थीटा डॉट लिखोगे तो कह लाएगा थीटा डॉट square आर v, into v by r which is v square by r बॉडी अंडर गो सर्कुलर मोशन इट एक्सलेट्स इन रेडियोलीज इक्वल टू r स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर r अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस केस में उसका acceleration radially inward होता है इनवर्ड होता है ठीक है और वो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है और ओमेगा तो इस तरह से हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं समझ में आ रहा है आपको जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उस केस में उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ मूव करता है एंड द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अगर उसका वालासिटी का मैग्निट्यूड कॉन्स्टेंट है स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में इट इज एक्सिलेटिंग रेडियो इन वन डायरेक्शन एंड दैट एक्सिलेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज वॉट डी टी डा बाई डी टी डी टी डाबाई डी टी ठीक है ओके एंड वी कॉल दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं ठीक है अच्छा डेरिवेशन तो मैंने बता ही दिया आपको इसको और सिंपली भी डिराइव कर सकते हो देखो मैंने आपको बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया है वीडियो देख लेना वेलोसिटी एंड एक्सलेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए आई एम बेसिकली यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल मुझे बार बार लोग बोलते हैं ये अच्छी बार बार बोलने के लिए क्लास में तो थोड़ा सा हैबिट नहीं है तो लेकिन वी हैव ए चैनल ट्रोजेक्ट्री एजुकेशन ऑन यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल टू यू अगर आपको वीडियो जैसे हेल्पफुल लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब टू इट ठीक है नोटिफिकेशन वगैरह सारा चला जाता है तो वो आपको हेल्प करेगा टाइमली नोटिफिकेशन चला जाएगा नया वीडियो कोई आएगा तो ठीक है तो ये मैंने एक पढ़ाया है एक टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट उसमें मैंने ये सब पढ़ा रखा है तो का एक्सप्रेशन प्लेन पोलर कॉर्डेंट में ऐसे होता है अब सर्कुलर के मोशन के केस में रेडियस तो कांस्टेंट है ये आर क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन तो अगर ऑरिजिन सेंटर लेते हैं तो आर इज रिमेनिंग कांस्टेंट आर आपका कांस्टेंट है उस केस में जो विलास्टिक का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ये तो जीरो हो गया आपका तो का एक्सप्रेशन क्या हो गया आर थीटा डॉट ई थीटा तो एक्सिलेशन का अगर एक्सप्रेशन निकालेंगे एक्सेलरेशन so, क्या हो जाएगा आर कि कांस्टेंट रह रहा है तो इसका डेरिवेटिव लेने का कोई पॉइंट नहीं है तो दिस विल बी आर थीटा डबल डॉट ई थीटा एंड आर थीटा अच्छा एक चीज और है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है का मैग्नीट्यूड नहीं यूनिफॉर्म साइक्लोर फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इज़ कांस्टेंट। एंड मैग्निच्यूडीज इज़ व्हाट आर थीटा डॉट तो आर तो कांस्टेंट होता ही है सर्कुलर मोशन में तो so, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एलास्टी कांस्टेंट है सो दैट मींस थीटा डॉट इज कांस्टेंट

आर विथ माइनस साइन तो वो आप पुट कर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट सॉरी विच इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर आर अब माइनस ई आर का मतलब हो गया ई आर इज यूनिट वेक्टर रेडियली इन आउटवर डायरेक्शन तो यानी माइनस ई आर मतलब

ठीक है अब एक दो पॉइंट हम थर्ड बस बोल दें तो यहां पे देखिए रेडियली हम लोग ये देखना है कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो उस केस में बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उस केस ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म में नहीं नॉन यूनिफॉर्म में ये एक्सेलरेशन रेडियली इनवॉल्व नहीं रहेगा आप देखिए अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा और वेलोसिटी का वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा उस केस में आपका ये जो है देखो यहां पे फिर आप ये आर थीटा डॉट डबल डॉट जो आ रहा है इसको जीरो नहीं कर सकते फिर आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा आर थीटा डबल डॉट यार और यहां जाएगा आर थीटा डॉट स्क्वायर सॉरी ई थीटा ई थीटा ई या मतलब एक एक्सीलरेशन ये रहेगा और साथ में एक एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में भी रहेगा और नेट एक्सीलरेशन कुछ ऐसे आ जाएगा ठीक है डिपेंडिंग ऑन की साइन क्या है थीटा डबल डॉट का थीटा डबल डॉट का साइन क्या है उस पर ठीक है तो ये रहेगा ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा अगर थीटा डॉट कॉन्सर्न आर तो कॉन्सटर्न है ही अगर थीटा डॉट कॉन्सर्ट नहीं है उस केस में इट वी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा है यूजली हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डील करते हैं सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो बॉडी है वो अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो उसका एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड होता है रेडियली इनवर्ड होता है और उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन बोलते हैं तो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन जब आप सुन ही लिए हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बता दीजिए क्या होता है वेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स क्या है व्हाट इज सेंट्रीपीटल फोर्स देखो सेंट्रीपीटल फोर्स कहीं भी कोई ऐसा चैप्टर के फॉर्म में नहीं पढ़ाया जाता है वो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं है कोई भी फोर्स गिवेन ए सिचुएशन सेंट्रीपिटल हो सकता है सेंट्रीपिटल का डेफिनेशन सिंपल होता है एनी फोर्स विच मेक्स एनी फोर्स विच मेक्स द बॉडी मूव इन ए थ इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी को कर्ड पाथ मूव करवा दे उसको सेंट्रीपीटल फोर्स बोलते हैं फिर से लिख देते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स इज Any force which makes the body move in a curved path is called centripetal force.

जैसे आप कोई स्टोन को धागे से बांध देते हैं और धागे को ऐसे ऐसे घुमाते हैं रस्सी से बांध के किसी स्टोन को आप रस्सी से बांध के और ऐसे घुमा रहे हैं तो किधर फोर्स आप लगाते हो आप क्या फोर्स लगा रहे आप टेंशन में जो पत्थर पे फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है इट इज टेंशन इट इज बेसिकली अगर कोई रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को बांध के घुमाते हैं आप तो ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में घूम रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो रस्सी किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो आप क्या फोर्स लगा रहा है आप बेसिकली ऑब्जेक्ट को रेडियली इनवर्ड खींच दो खींचते हुए ऐसे घुमाते हैं ना आप धारे को सेंटर के पास तो खींचते हैं पहले आप प्रोजेक्ट करते हो प्रोजेक्ट करते हो और फिर रस्सी को अंदर की तरफ खींचते हो तो यहाँ पे जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल हो जाएगा आप मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ मून मून से रे कर्ड पाथ मून जो है पाथ पाथे मूव कर रहा है यहाँ पे कौन सा फोर्स मून को पाथ पाथे मूव करवा इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है earth moves around sun in an elliptical path what makes earth move in elliptical path it is gravitational force so gravitational force of the sun acting on the earth is centripetal force A classical model of h atom these log proton and electron moves in a curved path so what makes electron move in a circular path on a circular orbit like a bohr orbit it is coulombic force तो यहाँ पे कुलंबिक फोर्स जो प्रोटोन एग्जर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो सेंटिपिटल फोर्स हो जाएगा अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को कुछ कुछ वालासिटी देखे और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ एज्यूम कर लेता है यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने देता है दैट इज लॉरेंज फोर्स तो यहाँ पे लॉरेंज फोर्स सेंटिपिटल फोर्स हो जाएगा तो वही बोल रहा हूं आपको कि कोई भी रियल फोर्स हो सकता है given a circumstance. Circumstance क्या है है अगर वो फोर्स किसी को में करवा देता है, तो वो फोर्स हो जाएगा. कोई फोर्स हमेशा के लिए सेंट्रीपिटल नहीं होता है जिस सिचुएशन में वो फोर्स किसी बॉडी को पाथ में मूव करवाएगा उसी सिचुएशन में वो सेंट्रीपिटल कहलाएगा तो सेंट्रीपिटल कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं है Any real force given a situation can be called centripetal force no force is permanently called a centripetal force. तो so, कोई भी कोई भी फोर्स जो बॉडी को कर्ड पाथ मूव करवा देगा उसको सेंटिपिटल फोर्स बोल देगा जैसे so, यहाँ पे टेंशन सेंटिपिटल हो गया टेंशन हमेशा सेंटिपिटल नहीं होता है बट इस सिचुएशन में यह सेंटिपिटल फोर्स है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटिपिटल फोर्स हो गया यहाँ आपका कोलम्बिक फोर्स सेंटिपिटल फोर्स हो गया यहाँ लॉरेंज फोर्स सेंटिपिटल फोर्स हो गया ठीक है तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स जरूर लग रहा है और उसी सेंट्रीपीटल फोर्स की वजह से इसके अंदर ये सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होता है बिना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स का यह सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन नहीं होगा ठीक है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स है इट इज ए रियल फोर्स सो मैन ए बॉडी मूव्स इन ए कर पाथ यू ऑलवेज हैव है सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन इन रेडियली इनोवा डायरेक्शन और ये सेंट्रीपीटल एक्सलेशन का जो मैग्नीच्यूड है वो वी स्क्र आर या ओमेगा स्क्वायर स्क्वेर आर होता है ठीक है ये समझ में आ रहा है आपको अब ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी एग्जीक्यूट करेगा वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो अगर अब हम लोग अपने एग्जाम्पल पे आ जाए तो यहाँ पे बस टर्न ले रहा है ठीक है अब हमारे पास दो ऑब्जर्वर है एक ऑब्जर्वर हमारे पास यहाँ पे है जो रोड पे है वो इनर्शियल है ओ वन और एक ऑब्जर्वर सपोज करो बस के साथ अटैच है वो है ओ टू ठीक है अब ओ वन देखो इसी दोनों ही ऑब्जर्वर ये देख रहा है कि ये बस टर्न लिया और आदमी बाहर की तरफ फेंका गया फेंकाने से है उसको कुछ चोट भी लगा होगा अब चोट एक फिजिकल रियलिटी है वो दोनों में से कोई ऑब्जर्वर डिनाई नहीं कर सकता है तो दोनों ही ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि ये आदमी बस टर्न लिया ये आदमी फेंका गया आप कहेंगे ऑटू भी फेंका जाएगा बट ओ टू ऑब्जर्वर है हम लोग ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर को, को नहीं स्टडी कर रहे हैं ऑब्जर्वर ही स्टडी करता है दूसरों को अगर ऑब्जर्वर को स्टडी करना है तो एक तीसरा ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा आपको ठीक है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बस टर्न लिया और दोनों ऑब्जर्व मान रहा है कि आदमी जो अंदर है वो बाहर की तरफ फेंका गया ठीक है मोशन दोनों को दिख रहा है लेकिन दोनों अब देखिए एक तो इनर्शियल है तो इनर्शियल तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेगा क्योंकि वो इनर्शियल वो काबिल आदमी है वो न्यूटन से कैला लगा सकता है अपने ऑब्जर्वेशन के लिए ठीक है तो ओवन इनर्शियल है चूंकि अब ओवन देखो कैसे इसको एक्सप्लेन करेगा ओवन कहेगा आप बस के अंदर थे बस मूव कर रहा था अब बस मूव कर रहा था और आपके फीट और सरफेस ऑफ द बस के बीच में अच्छा एक स्टेटिक फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है आपके फीट को बस के सरफेस से बाइंड किए हुए हैं ठीक है जैसे ही बस टर्न लिया बस जो है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया और जब बस रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेट हुआ तो आपका फीट भी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेट हो गया एक तरह से आपका फिट जो है रेडियली इन डायरेक्शन में खींचा गया और जैसे ही आपका फिट रेडियली इनवर डायरेक्शन में खींचा आपका बॉडी बाहर के तहत फॉल कर गया नहीं अगर किसी के पैर को किसी डायरेक्शन में खींच लोगे तो आदमी उल्टे डायरेक्शन में फॉल कर जाएगा वही केस यहाँ कहेगा वो कि आप बस टेक्स टर्न जैसी वो टर्न लिया वो एक सर्कलो मोशन एग्जीक्यूट करने लगा और सर्कलो मोशन एग्जीक्यूट करने लगा तो उस केस में बस जो है इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर गया और आपका फीट चूंकि बस के सरफेस से बाउंड है आपका फीट भी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर गया इसलिए आपका बॉडी बाहर की तरफ फॉल कर गया तो ये बहुत बढ़िया से पूरा फेनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहा है बट ये लग्जरी ऑटो के पास नहीं है क्योंकि ऑटू जब बस टर्न ले रहा है तो इस ड्यूरेशन में बस जो है एक एक्सेलरेटेड फ्रेम बन गया क्योंकि वो उसका विलास्टी का डायरेक्शन बदल मतलब रहा है वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उस केस में ये बस जो है एक नॉन एक्स सॉरी एक्सिलेटेड फ्रेम बन गया एक नॉन इनवर्सल फ्रेम बन गया और उसके से ओटू जो है वो एक नॉन इनवर्सल ऑब्जर्वर बन जाएगा अब ओटू चूंकि नॉन इनर्सल ऑब्जर्वर बन जाएगा तो ये उसका डेस्टिनी हो जाएगा कि उसका ऑब्जर्वेशन न्यूटन सेकेला से जस्टिफाई नहीं होगा अगर उसका ऑब्जर्वेशन न्यूटन सेकेला से जस्टिफाई हो जाएगा तो फिर नॉन यूनवर्सल किस बात का है नॉन एसल का मतलब है कि उसका जो भी ऑब्जर्वेशन होगा न्यूट्रन सकेला से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा और देखिए कैसे जस्टिफाई नहीं हो रहा है ओटू क्या है ओटू चूंकि बस के फ्रेम में है तो बस का सारा मोशन को इनहेरिट कर रहा है वो कहेगा बस रेस्ट पे है उसको दिखेगा ही नहीं कि बस टर्न ले रहा है वो कहेगा मा... तो बाहर का चीज देख के आपको पता लगता है ना कि बस एक्सीट हो रहा है मूव कर रहा है टर्न ले रहा है ठीक है ओटू चूंकि बस के फ्रेम में है उसको बस रेस्ट पे दिखेगा

पर्सन इज फॉलिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन और वो इसलिए है क्योंकि वो नॉन ईर्स ऑब्जर्वर है नॉन योर्सल हमेशा कुछ ऐसा चीज ऑब्जर्व करेगा जो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं हो पाएगा ठीक है सो वो टू विल फाइंड इट वेरी पजलिंग वाई दिस पर्सन इज फॉलिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन ठीक है अच्छा वो वाई पूछने के काबिल भी नहीं है क्योंकि वाई तो वही पूछ सकता है जो न्यूटन सेकंड लॉ को क्लेम कर सकता है जो न्यूटन सेकंड लॉ के वैलिडिटी को क्लेम कर सकता है ओ टू तो न्यूटन ला को ही नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि वो नॉन एसल ऑब्जर्वर है ठीक है सो ही फाइंड ही विल फाइंड द पर्सन फॉलोइंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन बट ही फाइंड एनी जस्टिफिकेशन बिहाइंड दैट ठीक है और ऐसे ही लोगों के लिए फिर सूडो फोर्स का जुगाड़ हम लोगों ने बनाया है अगर हम ओटू के ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन ला लिखना चाहते हैं वो लिखने के लिए आपको सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लिखने के लिए सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो जो O2 का फ्रेम है वो एक स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको अगर इसका ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करना है तो जिस भी बॉडी का मोशन लिखना है उस बॉडी के ऊपर आपको एक सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा

इन विच डायरेक्शन इन डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन एयल जो एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन एर्सल ऑब्जर्वर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा और फिर कागज के ऊपर आप O2 का ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे आप कागज के ऊपर बोल पाएंगे कि इस पर एक सेंट्रिफिकल फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से रेडियली आउटवर डायरेक्शन में ये फॉल कर रहा है लेकिन फैक्ट ये है इस पर कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है हम लोग कागज़ के ऊपर सिर्फ ओ टू के ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक जुगाड़ हम लोग लगाते हैं ठीक है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी लगता नहीं है ये कागज के ऊपर लगाया जाता है सो एज टू राइट द इक्वेशन एज पर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ए नॉन एसला ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम और ऑब्जर्वर इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ठीक है ये इसके कोई सेंटर होगा ना उसके बाद सर्कुलर मोशन इज अ काइंड ऑफ रोटेटिंग फ्रेम राइट ठीक है तो ये सूडो फोर्स ऐसे लगा देंगे आप अब तब ओ का ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे ओ देखिए ओ इसी चीज को कंप्लीटली जस्टिफाई कर पा रहा है विदाउट अप्लाइंग दिस एम वी स्क्वायर बाय आर ठीक है और मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि सूडो फोर्स बेसिकली नॉन इनर्सल और इनर्सल के ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसको कंपेंसेट करने के लिए एक टर्म होता है क्योंकि इनर्सल ऑब्जर्वर कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन करता है जो नॉन एंसल नहीं कर पाता है इनर्सल ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है इनस्ला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो फ्रेम है ये सर्कलोम से एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि नॉन एसल नहीं कर पा रहा है इनस्ला ऑब्जर्वर इस बॉडी के अंदर बीस को एवर आर का एक्सलेशन देख रहा है जो नॉन एंसल वाला नहीं देख पा रहा है तो यही डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन को कंपेंसेट करने के लिए वो कंपेंसेशन राइट हैंड साइड में ना करके हम लोग न्यूटन से के लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं माइनस साइन लगा के आपको एक और एग्जांपल हम साइंटिफिकल फोर्स का देते हैं उससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा सपोज करो हम लोग बोर एटम ले ठीक है इफ आई टेक बोर एटम बोर मॉडल में बोर एज्यूम कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सगलो मोशन एग्जीक्यूट करता है प्रोटोन के आगे के एक ऑब्जर्वर है। है? अब ये कैसे इस चीज को जस्टिफाई करे ये कहेगा कि प्रोटोन इसके ऊपर है वो फोर्स कितना है वो फोर्स, फोर्स रेडियो इनवर्स डायरेक्शन में लग रहा है और चूंकि ये फोर्स रेडियो इनवर्स डायरेक्शन में लग रहा है तो इस ये फोर्स एक तरह से, से ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन के अंदर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि तो ये फोर्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है और वो एक्सेलरेशन कितना है वो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू वीबा आर वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू मास इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां जो बीस क्वेबा आर है एक्सलेशन है वह क्यों है क्योंकि स्पेक रेडियली इनवा डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है विच force। अब यही मान लो ये तो ओवन हो गया ओवन इस चीज को बड़ा बढ़िया से जस्टिफाई कर पा रहा है अगर एक ऑब्जर्वर हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर ले लें अगर एक ऑब्जर्वर हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर ले लें अब क्या होगा अब ओ टू जो ऑब्जर्व करेगा वो बड़ा पजलिंग होगा O2 कहेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक उलंबिक फोर्स लग रहा है O2 को देखो फोर्स तो हर कोई देखता है जो रियल फोर्स होते हैं वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होते ठीक है वो इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है इंट्रैक्शन किसी बाहरी ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है कोई इंटरेक्शन सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व observe करेगा तो ओटू कहेगा इसके ऊपर सेंट्रीपीटर फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर एक कोलंबिक फोर्स लग रहा है e ई स्क्वायर फोर फाइव सेवन आर स्क्वायर लेकिन ये रेस्ट पे क्यों है अब यहां देखिए क्या हो रहा है यहां पे ये ओ टू को फोर्स दिख रहा है लेकिन उसको कोई एक्सलेशन नहीं दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठा है तो वो उसका मोशन को इनहेरिट कर रहा है क्योंकि वो उसका मोशन को इनहेरिट कर रहा है तो उसको रेस्ट पे दिख रहा है वो कहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है लेकिन ये मोशन में नहीं है वेरी पजलिंग ऑब्जर्वेशन एंड ही नॉट से क्यों नहीं लग रहा है क्यों एक्सेलरेट नहीं कर क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ नहीं सकता क्योंकि वो एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है वो एक नॉन एसल ऑब्जर्वर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है

यहाँ फोर्स लग रहा है बट एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो ओ टू का जो ऑब्जर्वेशन है वो न्यूटन सेकंडला के लिए स्टिल सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना उसका ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब तो वो उसका ऑब्जर्वेशन है कि वो रेस्ट पे है इक्विलिब्रियम में है और वो एक अनबैलेंस फोर्स भी देख रहा है तो उसका ऑब्जर्वेशन तो न्यूटन सेकंडला के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं हो रहा है और वो उसका डेस्टिनी है क्यो? क्यों क्योंकि वो नॉन ऐसला ऑब्जर्वर है नॉन ऐसा ऑब्जर्वर की डेस्टिनी है कि वो न्यूटन सेकंडला का वायलेशन देखेगा ठीक है तो इसको अगर कागज के ऊपर जस्टिफाई करना है तो कैसे जस्टिफाई करेंगे क्योंकि वो एक रोटेटिंग फ्रेम में सर्कुलर मोशन में है वो एक्सिलेटेड फ्रेम में है तो उसके ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करना है तो एक रियल फोर्स के साथ साथ हम लोग एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा वो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जिस डायरेक्शन में उसका फ्रेम एक्सीट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्रेम क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रेडियली इनोवा डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में

ये इक्वेशन हम लोग ओवन के अकॉर्डिंग लिखे हैं और ये इक्वेशन हम लोग के अकॉर्डिंग लिखे हैं वही M into A, into वही एम ए मास जो कि ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन था हम लोग यहां सूडो फोर्स के फॉर्म में लिख दिया लिखते पॉइंट जो मैं आपको शुरू से यही चीज बोल रहा हूं कि जो सूडो फोर्स होता है बेसिकली वो इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है जिसको आप सूडो फोर्स बोलते हैं वो एक्चुअली इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है वो चीज़ जो इन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्व ऑब्जर्व नहीं कर पाता है और इनर्शियल ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है यही ऑब्जर्वेशन और डिफरेंस को कम्पनसेट करते हैं ओवन क्या ऑब्जर्व कर रहा है ओवन इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर मोशन में होता हुआ देख रहा है ओवन देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है ओ टू क्या देख रहा है ओ टू इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे पा रहा है यही डिफरेंस को हम लोग

जब हम लोग बस में टर्न लेते हैं तो हम पे कोई साइंटिफिकल फोर्स नहीं लगता है वो हम लोग कागज के ऊपर लगाते हैं हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग एक्सलोरेशन ऑब्जर्व करते हैं लेकिन हम लोग न्यूटन सेकंडला क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब बस टर्न लेता है उस समय हम लोग एक नॉन इनर्सल फ्रेम में होते हैं और चूंकि हम लोग नॉन इनर्सल फ्रेम में होते हैं हम लोग न्यूटन सेकंडला के, के वैलिडिटी को क्लेम नहीं कर सकते और हमारा ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है उसको जस्टिफाई करना है तो आपको सुडो फोर्स का हेल्प लेना पड़ेगा और वही जो, अब जो बाहर है उसको वही फेनोमेना जस्टिफाई करने के लिए किसी भी सूडो फोर्स का जरूरत नहीं है क्योंकि एक काबिल बंदा है वो न्यूटन से लगा सकता है आई होप यू अंडरस्टैंड वाई बिकॉज सेंट्रिफिकल फोर्स सूडो फोर्स ठीक है समझ में आ रहा है तो थोड़ा और इसको आप दिमाग पे जोर डालिए ठीक है एंड देन आई थिंक इट विल बी नाउ क्लियर कि हाउ सुडो फोर्स वाई साइंटिफिकल फोर्स इज कॉल सुडो फोर्स वेर वाई नेवर एक्ट्स कभी एक्ट नहीं करता एक कागज पना लगाते हैं ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच